नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन। सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से उथल पुथल रही है, उसको देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में बैठक हुई है। पंजाब भवन में यह बैठक हुई है जिसमें प्रगट सिंह भी उपस्थित रहे। कई मसलों को सुलझाने का इस बैठक में प्रयास किया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पर और वादों पर और दावों पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब की जनता अब समझ चुकी है और पंजाब की जनता एक बार फिर बेवकूफ नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दूसरी गारंटी सेहत बीमा योजना पर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल शिरोमणि अकाली दल के चुनावी घोषणा पत्र को कॉपी कर रहे हैं। उन्हें पंजाब में आप नेताओं को विश्वास नहीं है, इसलिए वह दिल्ली से आकर गारंटी दे रहे हैं। उनकी गारंटियाँ फ्रॉड से ज़्यादा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल प्रधान ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब की कसम खाकर पंजाब के लोगों से कई वायदे किए थे, लेकिन वे मुकर गए। ऐसे में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हैं, यदि वह भी मुकर गए तो क्या वह दिल्ली की सियासत छोड़ देंगे। केजरीवाल का यह सब चुनावी ड्रामा है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली में 2015 से लेकर 2020 तक एक भी नया अस्पताल नहीं बनवाया है। दिल्ली की तर्ज पर उन्होंने दावा किया है कि वह मोहल्ला क्लिनिक की तरह पिंड में 16,000 क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक या पिंड क्लिनिक बनाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में मात्र 480 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिनमें से 200 क्लिनिक बंद हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के यह दावे झूठे हैं और पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। चंडीगढ़ में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पूर्व सांसद सरदार वीरेंद्र सिंह बाजवा और उनकी पूरी टीम कांग्रेस में शामिल हो गई थी, लेकिन आज वे शिरोमणि अकाली दल में लौट आए हैं। वे किन्हीं कारणों के चलते घर छोड़ गए थे, लेकिन अब उनके घर वापसी हुई है। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र एक में खून से लथपथ एक शव बरामद हुआ है। आसपास के लोगों में इसे देखकर दहशत हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जांच की जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक पंचकुला में खून से लथपथ मिला युवक का शव, मृतक की पहचान 28 वर्षीय प्रदीप के तौर पर हुई है, जो कि लेबर का काम करता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। मौके पर पहुंचे ACP विजय नेहरा ने बताया कि मृतक की पहचान प्रदीप के तौर पर हुई है, जो कि लेबर का काम करता था। उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक शादीशुदा था, जिसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसकी पत्नी उससे अलग रहती है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में भी लिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और मौत के कारणों का भी खुलासा किया जाएगा। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है। डेड बॉडी एक अबेंडेंट हाउस है, उसमें पड़ी हुई है। इस सूचना पर जो है पुलिस ने तुरंत मौका पर आकर जो है बॉडी को देखा है और अभी छानबीन इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दिया ना, अभी इस बारे में जाँच जारी है। सर, युवक का क्या नाम है और क्या काम करता है? अभी तक की जांच में इसका नाम प्रदीप सामने आया है। और सर, सुनने में आया कि जिसने मतलब जो आरोपी बताया जा रहा है उसको पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी किया सर फिलहाल? अभी नहीं, अभी ऐसी कोई भी जांच जारी है, छानबीन चल रही है। ठीक है, कहाँ का बताया जा रहा है सर निवासी? निवासी इसका स्थायी पता नहीं, पता किस जगह का है, उत्तराखंड या हिमाचल का रहने वाला है, लेकिन कैजुअल लेबर का काम करता हुआ ये यहीं रह रहा है। पंचकुला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कई समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया गया। पंचकुला में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में यह बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व मेयर पंचकुला कुलभूषण गोयल भी शामिल हुए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उपायुक्त पंचकुला, DCP पंचकुला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पंचकुला जिले से जुड़े 24 मुद्दों को खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा सुना गया और अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए।
इसमें 10 टोटल 24 थी जो आई हुई थी हमारे पास, जिसमें से 10 का हमने फाइल करके उसको निपटारा कर दिया है और 14 जो है पेंडिंग, उसको डायरेक्शन दी गई है उसको किस तरीके से आगे जो अधिकारी हैं उनको किस तरीके से उसको प्रॉब्लम को पूरा करना है। इस होटल के लिए एक तो जो वो उनका कहना है कि 2007 में उन्होंने एक ऑर्डर आया था कि ये सरकारी ज़मीन है, इसका कब्जा छोड़ दीजिए, जो ऑनर जिन्होंने शिकायत करता है, तो वो लेटर एक हमें दें, इस हिसाब के ऑफिस में उनको बोल दिया जमा करवाने के लिए, और जो अधिकारी उसको देख रहे हैं उसके लिए कि ये जो मैटर कोर्ट में चल रहा है वो अलग है, लेकिन कोर्ट के साथ अगर ये सरकारी ज़मीन खाली इन्होंने कर दी है तो दूसरा कोई कब्जा कर रहा है तो वो कब्जा भी खाली करवाएं, जिससे कि उनका आना जाना बना रहे, इसकी डायरेक्शन दी। अंगहीन यूनियन द्वारा मोहाली में पिछले 66 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यूनियन के सदस्यों को उम्मीद है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनका बनता हक उन्हें दिया जाएगा। पिछले 66 दिनों से धरने पर बैठे अंगहीन यूनियन पंजाब उम्मीदवारों को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से उम्मीद है कि शायद वे उन्हें नौकरियां मुहैया करवा दें। 8000 के करीब फिजिकल हैंडीकैप उम्मीदवार पंजाब में हक ना मिलने के कारण धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मौली फेस 8 में धरने पर बैठे बलकार सिंह ने बताया कि जिस जगह नौकरी का हक उनका दूसरे को दे दिया जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने 8-10 दिन में बात करने का आश्वासन भी दिया है। बलकार सिंह ने बताया कि पहले वे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, वहां से सेक्टर 25 चंडीगढ़ के धरना ग्राउंड में चले गए, लेकिन वहां पर घास और सांप इतने थे कि वे धरना लगाने मोहाली आ गए। पिछले 20 दिन से धरने में बैठे हुए हैं। गुरुप्रीत सिंह ने बताया कि ऐसा नहीं कि नौकरियाँ नहीं निकल रही, लेकिन जिन नौकरियों पर उनका अधिकार है वह किसी और लोगों को दी जा रही हैं। वहीं सतवीर सिंह धनोआ ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इनका बनता हक इन्हें दिया जाए, जो हकदार हैं उन्हें वह मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सभी मांगों को माना जाए। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में कैंडल मार्च निकाला गया। सेक्टर वासियों द्वारा यह कैंडल मार्च न सिर्फ भगत सिंह जी को समर्पित था, बल्कि किसानों के समर्थन के बारे में भी कहा गया। उनका कहना था कि जिस तरह से भगत सिंह ने आजादी के लिए आंदोलन किया था, आज किसानों का आंदोलन भी उसी राह पर चल रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के चौक पर सेक्टर 35 के निवासियों और किसानों समर्थकों द्वारा शहीद भगत सिंह जी का जन्म कैंडल मार्च निकालकर मनाया गया। इस कैंडल मार्च में किसानों ने भगत सिंह को याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। प्रेमलता ने बताया कि भगत सिंह का जन्मदिन सेक्टर 35 के निवासियों और किसानों द्वारा मनाया गया है, जिसमें कैंडल मार्च निकाला गया है और आमजन को जागरूक किया गया है कि किस तरह से कृषि के 3 कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया है। उन्होंने बताया कि शहीद भगत सिंह ने देश के लिए अपनी शहादत दी, वैसे ही किसान पिछले 1 साल से अपने हकों की लड़ाई के लिए केंद्र से जूझ रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों से देश वापस दिलाया, किसान अपने हकों की लड़ाई मोदी सरकार से लड़ रहे हैं, भगत सिंह की सोच से यह आंदोलन मेल खाता है। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इस आंदोलन किसान आंदोलन को भी भगत सिंह के आंदोलन से जोड़ा जा सके और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके। कोविड के बाद घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है और यह घरेलू हिंसा छोटी छोटी बातों को लेकर हो रही है, यह कहना है पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी का। वह एक कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंची हुई थी, यहाँ पर उन्होंने लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक किया। कोविड महामारी के बाद घरेलू हिंसा के केसों में बढ़ोतरी हुई है। पंजाब महिला कमीशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी ने बताया कि ज्यादातर केसों में महिला व पुरुष छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाते हैं, कमीशन ऐसे मामलों को सुलझाने में लगा है। पंजाब महिला कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी वीरवार को मोहाली में दशमेश ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। गुलाटी ने इस दौरान अंगदान करने का प्रण भी लिया व बाकायदा फॉर्म भी भरा। मनीषा गुलाटी ने कहा कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। घरेलू हिंसा को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की बात भी उन्होंने कही। इसके लिए राज्य सरकार से पैसे मांगे गए हैं, वहीं कमीशन में स्टाफ की भी मांग की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इन मांगों को सरकार पूरा करेगी। मनीषा गुलाटी ने कहा कि विदेश में महिलाओं में जो घरेलू हिंसा के केस हैं आ रहे हैं, उसके लिए महिलाओं और परिजनों को संभलना आवश्यक है, जागरूक होना आवश्यक है। देखो मैं ते तुसी सुन ही लिया, मैं जो भी कहना चाहती सी कि सब तो वड्डा जीवन और मृत्यु किसी ने नहीं देखा, तो यह अज मैनू इन्होंने दशमेश सोसायटी वाले ने बुलाया है। यह बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, मेरा भी एक बचपन का ड्रीम सी
कि मेरी ग्रैंड मदर ने यह किया सी, एक ड्रीम सी कि मैनू यह मौका मिले, तो अज इन्हों के माध्यम में मैनू मौका मिलया, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हाँ। एक मैसेज देना चाहनी हाँ कि इंसान अपनी जीवन की दौड़ भजदा रहा, बट जे अपने सपनों जिंदा रखना चाहता है तो यह ऑर्गन डोनेट करके आप अपने भविष्य में भी देख सकते हैं। यह सारे दाना सब तो वड्डा महादान है कि तुसी अपनी इमोशंस नाल रिलेट करके किसी होर दे सपनों तुसी एक नवी जान दे सकते हो। कोई टाइम लगेगा, हाले भी यह दस रहे थे कि 20 लाख के लोगों के पीछे एक एक डर हमेशा तो रहता है कि शायद, पर यह समझना पेगा कि जोड़ा यह डर है ये थोड़ा जो प्राण ही निकल जाने, जीवन और मृत्यु आज तक कोई देख सके कि जीवन किस तरह होया, साइंस जिन्नी मर्जी तरक्की कर ले जीवन और मृत्यु नू कोई नहीं पढ़ पाया, तो यह थोड़ा सब तो व्डा करम है। मैनू लगता है कि इंसानों इन्दे च अगे निकल के हाथ वधाना चाहिए यह कुछ सोसाइटियां का, क्योंकि इस तो उपर दुनिया च कोई दान नहीं जिहड़ा तुहाडे करम नू एक फिक्स कर रहा, करम नाल रिलेट। वहीं दशमेश ह्यूमैनिटी ट्रस्ट चंडीगढ़ अमनदीप सिंह और सरबजीत सिंह ने कहा कि लोगों में अभी भी अंगदान व शरीरदान करने को लेकर जागरूकता नहीं है। 20 लाख के पीछे एक व्यक्ति ही अंगदान या शरीरदान करने का प्रण लेता है, लेकिन बाद में कई बार परिजन मुकर जाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे अंगदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं और जरूरतमंद की मदद कर सकें। प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बतौर हीरो पहली फिल्म मूसा जट अभी रिलीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा इसे मंजूरी नहीं मिली है। इसी को लेकर के फिल्म की कास्ट और निर्माता निर्देशक मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए और अपनी समस्याएं बताई। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बतौर हीरो पहली फिल्म मूसा जट को भारतीय सेंसर बोर्ड ने मंजूरी देने से मना कर दिया है। यह फिल्म 2 दिन बाद 1 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज होनी थी। अब यह फिल्म अपने कथित समय पर भारत में रिलीज नहीं हो सकेगी। सेंसर बोर्ड की इस कार्रवाई को लेकर फिल्म की टीम द्वारा चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में मीडिया के साथ बातचीत की गई। इस मौके पर फिल्म के निर्माता रूपाली गुप्ता, फिल्म की अदाकारा स्विताज बराड, अदाकारा भानु सिद्धू, लेखक गुरिंदर डिम्पी और फिल्म के निर्देशक दिलशेर सिंह और खुशबाज सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर फिल्म के निर्माता रूपाली गुप्ता ने बताया कि वह इससे पहले आधी दर्जन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, साथ उनकी यह फिल्में जो कि फ्राइडे रश मोशन पिक्चर के बैनर तले 1 अक्टूबर को रिलीज होनी थी, उसे सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक किसान की जिंदगी के आगे पीछे घूमती है। फिल्म में किसान की जिंदगी की मुश्किलें, आपसी भाईचारा और मेल मिलाप के अलावा गांव की जिंदगी और खेतीबाड़ी की जनजीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। मौली जागरण पार्ट 2 से मक्खन माजरा के स्कूल की ओर जाता रास्ता खराब हो चुका है, जर्जर हालत में है, खड्डे पड़े हुए हैं और इसी रास्ते से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी दी गई हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोरोना महामारी की वजह से लंबे अंतराल के बाद शिक्षा के मंदिरों को सरकार ने खोल दिया है। चंडीगढ़ के मौली जागरा पार्ट 2 से मक्खन माजरा स्थित स्कूल जाते हुए स्कूली बच्चों को खराब और असुरक्षित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि हर रोज खराब रास्ते से आना जाना करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खराब है, भारी भारी वस्ते लेकर यहाँ से गुजरना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के अभिभावकों ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि बच्चों के लिए सही रोड नहीं है, डर लगा रहता है कि कहीं उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए, सड़क पर कोई हादसा ना हो जाए, कीचड़ में ना फंस जाए, बारिश के पानी में यहाँ पर बने गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। लोगों को आ रही इस परेशानियों को लेकर कांग्रेस के एक बार फिर मोर्चा खोलने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचे और चंडीगढ़ प्रशासन ने मक्खन माजरा में बहुत बढ़िया स्कूल तो तैयार करवा दिया है, लेकिन दूसरी ओर बच्चों के जाने के लिए सुविधाजनक रास्ता नहीं बनाया है। इस मुद्दे पर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार प्रशासन को रास्ता बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई है। देश भर में 28% मौतें सिर्फ हार्ट अटैक या फिर हार्ट की बीमारियों के कारण होती है। इनको रोका जा सकता है क्योंकि हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों की मुख्य वजहें आज की जीवन शैली या खान पान है। यदि इसमें सुधार किया जाए तो काफी हद तक हार्ट की बीमारियों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। देश भर में हर साल हार्ट अटैक की बीमारियों से लगभग 28% लोगों की मौत होती है और अब धीरे धीरे हार्ट अटैक युवाओं में भी होने लगा है और यह कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है, पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर जेएस ठाकुर ने बताया। उन्होंने कहा कि आज की बीमारियों में ना सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि युवाओं पर भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कारण कई हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जीवन की शैली में बदलाव सबसे मुख्य कारण है।
जिसमें हम जंक फूड खाते हैं, वॉक नहीं करते, अत्यधिक नमक का सेवन करते हैं, इसमें हमारी सबसे ज़्यादा जीवन शैली का बदलाव आया है। इस जीवन शैली के बदलाव के कारण ही हार्ट की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं और यही कारण है कि अब युवाओं को भी अपना निशाना हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों ने बना लिया है। डॉक्टर JS ठाकुर ने हार्ट की बीमारियों से बचाव के लिए टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि 40 के पार सभी को अपना टेस्ट समय से करवाना चाहिए, साथ ही हल्का सा भी छाती में दर्द हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द कार्डियोलॉजी में दिखाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं, जिसमें वह लगातार नमक का सेवन को कम करें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। कहना ये रहेगा कि जो हमारी डाइट है उस डाइट में एक तो हम नमक कम लें और उस डाइट में जो है फलों और सब्जियों की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तेल और घी की बर्तन जो है कम करें और जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है किसी भी एडल्ट को जो है 30 से 45 मिनट की फिज़िकल एक्टिविटी जो कि ब्रिस्क वॉक या इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। बच्चों में एक घंटे की फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों में आजकल ये देखा गया है कि उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं तो काफ़ी हद तक जो है उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, ओबेसिटी बढ़ने का और ख़तरा है, तो हमें जो है अपने आप को एक्टिव रखना है। तीसरी चीज़ जो है हमें तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन और जो अपना शराब है उसकी बर्तनों को अवॉइड करना है और हमें स्ट्रेस फ्री जो है रहना है और अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में रखने की ज़रूरत है। तो ये थी शहर में घटित कुछ खास खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और साथ में बेल आइकन भी दबाना है ताकि जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।